का स्वागत है, देखते आज की बड़ी खबर। बस में सफर कर रहे हैं तो रहे जेब कतरों से सावधान, शातिर तरीके से करते हैं हाथ साफ। नई दिल्ली कोटला मुबारकपुर पुलिस ने तीन पॉकेट मारों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर बस की भीड़ में लोगों के सामान पर हाथ साफ करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की जिस पर सवार होकर ये वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से पांच चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सौरभ, दिनेश, रफीक, रोशन और मेहताब के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को पुलिस की एक टीम साउथ एक्स इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को एक TSR साउथ एक्स पार्ट 1 के पास संदिग्ध स्थिति में काफी तेजी से जाती हुई दिखी। संदेह होने पर पुलिस ने जब रोका तो उसमें सवार दो युवकों से पूछताछ में पता चला कि वह DTC बस एक व्यक्ति का मोबाइल चुरा कर भाग रहे थे। जांच करने पर इनके पास से चोरी के चार मोबाइल मिले। तीनों ने बताया कि इसी TSR से वारदात करते थे। सौरभ गाड़ी चलाता था जबकि उसके दोनों साथी बसों में, बाजार में और बस स्टॉप आदि पर वारदात को अंजाम देते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद TSR में बैठे मौके से फरार हो जाते थे। इन पर अम्बेडकर नगर थाने में भी चोरी का मामला दर्ज है। तो MS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS Hindi ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।